चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़े। तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार शपथ लेने के बाद से ही असहज नजर आ रही है। कभी संसद में भारी हंगामा तो कभी सड़क पर मोदी के मंत्रियों का खुलकर विरोध सामने आ रहा है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हुआ है। जनता दरबार के दौरान एक युवक ने गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की, मगर सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। आज दोपहर को मंत्री जी का प्रोग्राम था बलिया सब डिवीजन में, बलिया ब्लॉक में उनका प्रोग्राम था, जनसंवाद प्रोग्राम था। उसके बाद वहां से निकलने क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं प्रयास किया गया, जिसको कि सुरक्षा घेरे में प्रतियुक्त कर्मियों पुलिसकर्मियों ने तुरंत पकड़ा गया है। मगर कार्रवाई जारी है। जी कौन लोग थे, क्या बात सामने आई निकल? व्यक्ति का नाम शहजादम उर्फ सैफी सामने आया है, जिसका कि आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है एवं अभद्र टिप्पणी एवं साथ में सट करके प्रयास करने के लिए उसको पकड़ा गया है। ये कह रही धक्का मुक्की भी की गई मंत्री के साथ और अभद्र व्यवहार एवं पास पहुंच करके मतलब सुरक्षा घेरे को तोड़ा गया था। कोशिश की सुरक्षा घेरे को तोड़ कर नज़दीक पहुँच करके तो करने की, जिसको पकड़ा गया। वार्ड पार्षद बताया जा रहा है? जी बलिया के रहने वाले हैं एवं वार्ड पार्षद बताया गया। अब आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया में कुछ सामने आया बात पूछताछ के बाद हम आपको बता पाए। केंद्रीय मंत्री सुरक्षित है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। खुद पर हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से कहा, ये दुखद घटना है। हो सकता है आरोपी का चेहरा देखने के बाद तेजस्वी और अखिलेश उनके समर्थन में उतरेंगे। और मैं तो लगूंगा, अपने से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं। मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह से नारे लगाए गए, क्या कहना था? देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में केवल मेरे कंस्टिट्यूएंसी में तो लगा कि कोई ऐसा चुनाव मुसलमानों के द्वारा विरोध किया गया, उसी का प्रतिफल है इतना साहस कि मैं जनता दरबार में था, सारे SDO DSP वहाँ से बदतमीजी उसने शुरू की और अंतिम बदतमीजी, लेकिन ईश्वर की दया है, मैं उस अपने पर अडिग हूँ और अपने मिशन में भी इधर उधर विचलित होने वाला नहीं। मंत्री का जनता दरबार बलिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित था। आरोप है कि जनता दरबार में आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद सैफी ने हमले का प्रयास किया और गिरिराज सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि हमले में केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जब बलिया अनुमंडल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर रहे थे और जन समस्याओं को सुन रहे थे, उसी वक्त मोहम्मद सैफी वहां पहुंचा। पहले तो उसने माइक को अपने कब्जे में लिया और फिर अनाप शनाप बयानबाजी करने लगा। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों ने इसका विरोध किया, तब आरोपी युवक ने गिरिराज सिंह की ओर मुक्का चला दिया। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।